हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ आमिर और आप देख रहे हैं टेक साफ्ट। एसएमडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे एक अपडेट आया कि अभी आप ना iPhone 5s लेके 10 तक के जो मॉडल हैं उनको कर सकते हो मैकबुक का टूल रिलीज कराया वाला। ठीक है, तो इंस्टेंट हो जाएगा, जेल ब्रेक करो और देन उसके बाद सारा चीज़ प्रोसेस होगा। अभी फिलहाल के अपडेट चल रहा था, मैं आपको बता देता हूँ। आज की जो डेट है वो है 16। ठीक है, और अभी अपडेट यह था कि अभी तक हमारे पास जो आईफोन के जितने मॉडल थे नहीं हो रहे थे विदाउट नेटवर्क, हो रहे थे 10R to 15 Pro Max। अभी SMD ने अपडेट जब निकाला तो अपडेट के आगे क्या लिखा हुआ है, 5S से 10 तक होंगे लेकिन iOS वर्जन 12 से लेकर 14 सपोर्टेड है। अब हमारे पास जो मॉडल आता है ना, एग्जाम्पल के लिए 10 है, तो 10 का iOS वर्जन लास्ट क्या है, 60.7 है शायद, ये देखो आप। तो इसका मतलब 10 तो होगा नहीं, ये 60.7 है तो ये नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग मैसेज जो कर रहे हैं वो इस बात को सोचो कि iOS वर्जन अगर आपका 12 to 14 है, मतलब कि 5S, 6, 6 Plus और 6S तक, शायद 6S मेरे हिसाब से मुश्किल ही होगा। 6S का iOS वर्जन 16 ही है, हाँ 15 है, ये भी नहीं होगा, तो iOS वर्जन डाउनग्रेड तो होगा नहीं। और जो मॉडल ओल्ड वाले हैं वो कर सकते हैं, बट उनको करना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि उस वर्जन को वो सपोर्ट नहीं करेगा। और ये भी सुनने में आया कि बहुत सारे मॉडल सपोर्टेड हैं भी नहीं, तो अभी मसला है। ठीक है, तो अभी के लिए कोई अपडेट नहीं है मार्केट के अंदर। हाँ, हो सकता है कि आई रिमूवल प्रो वाले वर्जन 3, इसका हमारे जो आई रिमूवल प्रो की जो वेबसाइट है इनका अपडेट आने वाला है। अब पता नहीं अल्लाह जाने कब आएगा, कि V3 लिखा तो है और बस ये इमेज डाल दी इन्होंने, इसके अलावा कुछ नहीं डाला है। तो आज डाली थी इन्होंने 15 अक्टूबर को, तो यहाँ पर अपडेट आ जाएगा। जब भी आएगा मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा। आज की डेट में कोई भी बंदा नहीं कर पाएगा, ये बात याद रखना। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं फ्रॉड वाले, जो कि कहेंगे हम कर देंगे, तो अभी कोई भी मॉडल नहीं हो रहा। बस 5S भी, वो भी मैकबुक चाहिए उसके लिए, आपको विंडोज़ में नहीं है। तो जितने भी टूल आई बाईपास एल प्रो या फिर मैक वाले सब बंद है इस टाइम। ठीक है, 10R to 15 Pro Max IC बाईपास जो टूल है ना, IC बाईपास टूल उसमें हो जाएगा, सॉरी IC बाईपास इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ विदाउट नेटवर्क होगा। ठीक है, तो SMD की भी ये सेम वेबसाइट को बना रहे हैं लोग, ये एक ही बंदे की है क्या, क्योंकि SMD और ये बिल्कुल सेम सेम बनाएंगे दोनों ने, हो सकता है एक ही बंदे की हो। कॉपीराइट 2024 SMD, बिल्कुल सेम है भाई। लॉगिन रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ से अभी अपडेट ये है कि इसमें विदाउट नेटवर्क कर लेना, विद नेटवर्क चाहिए तो मैकबुक वाला टूल यूज़ करो और iOS वर्जन 5S लेकर वो ये वाले। या ये चीज़ समझ में नहीं आई, इन्होंने 14.8 क्यों रखा है यहाँ पर, लिखा है यहाँ पर लेकिन इसका भी सर्वर बंद है। तो अभी फुल अपडेट होने, तो जैसे अपडेट आएगा इंशाल्लाह आपको बता देंगे। अभी कोई अपडेट नहीं है मार्केट के अंदर। और मार्केट के अंदर अपडेट यह है कि सैमसंग की वाट लगी पड़ी है, सैमसंग F5 का कोई भी टूल ऑन नहीं है। जैसे कि एंड्रॉइड मल्टी टूल है, इसका अप डाउन हो रहा है, कभी इन्फिनिक्स का ये सर्वर ऑफ कर देते हैं, कभी ये टेक्नो का बंद कर देते हैं, कभी नोकिया का बंद कर देते हैं, अभी वीवो और शाओमी का बंद हुआ हुआ है। बहुत सारे मॉडल नहीं हो रहे, अपडेट आ रहे हैं, लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं, तो टूल भी अपडेट निकालता रहता है। अनलॉक टूल का भी अपडेट आया था अभी, ये 10 तारीख 9 तारीख को आया था अपडेट, 10 अक्टूबर को आया था। अच्छा, तो टेस्टेड फाइल मतलब कि रेमडिक्स वाली फाइल निकाली थी, इसके ऊपर एक वीडियो बनानी है। और डाउनलोड वेबसाइट, सैमसंग का बड़ा मसला चल रहा है, सैमसंग का अपडेट तो आता है लेकिन ये वाले मॉडल नहीं आते मार्केट के अंदर। फिर ये मॉडल आपके जो ना, ये नहीं है कि वन क्लिक में हो जाएंगे, फिर ये टेस्ट पॉइंट वाले होंगे, तो हमारे पास जो होता है कस्टमर सामने खड़वा है तो टेस्ट पॉइंट कनेक्ट नहीं करवाएगा, तो फिर ऑनलाइन ही सॉल्यूशन बचता है। ऑनलाइन के भी दो वो चल रहे हैं कि आप IMEI नंबर से भी करवा सकते हो और आप USB से भी करवा सकते हो, फिर इंडिया का अलग रेट है और WW का अलग रेट है। ठीक है, आईफोन से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो मेरे को व्हाट्सअप करा करो, टेलीग्राम मत करना, टेलीग्राम पे फ्रॉड होता है। किसी भी तरीके का कोई भी पेमेंट का कोई इशू हो तो टेलीग्राम पर कभी भी उसको वो मत करना। एग्जाम्पल के लिए आपको किसी से पेमेंट लेनी है, किसी को देनी है, कुछ ऑर्डर वगैरह लगवाना है, तो टेलीग्राम हमेशा फ्रॉड होगा, ये बात याद रखना। टेलीग्राम पर सिर्फ आप अपडेट ले सकते हो, मेरा टेलीग्राम पर कोई चैनल नहीं है। ठीक है, इस बात का याद रखना, ओनली व्हाट्सअप है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप बात कर सकते हो, आप आईफोन के बारे में पूछ सकते हो। एक अपडेट ये है कि आईफोन का कोई भी मॉडल, अगर आपसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई मॉडल 15 है या 14 है, मेरे पास मैसेज आएगा कि भाई 14 जाएगा, मैं मना कर दूंगा, सर्वर ऑफ, तो वो पूछेगा कि रेट कितने लगेंगे। देखो रेट फिक्स नहीं रहता है, मैं आपको बता दूं कि भाई 14 मॉडल है 15,000 लगेंगे, और जब सर्वर ऑन होगा तब वो लग रहे हैं 20,000, तो वो आपको वो हो जाएगा ना, धोखे में रह जाओगे। तो कभी भी रेट फिक्स नहीं होगा, ये बात याद रखना, रेट तब फिक्स होता है जब सर्वर ऑन होता है। सैमसंग का रेट कभी फिक्स नहीं होता, आईफोन का रेट कभी फिक्स नहीं होता, ओप्पो रियलमी उनका रेट अभी फिलहाल फिक्स चल रहा है, वन प्लस है फिक्स है, पता है कि भाई आईडी सबके पास है तो सब लोग कर रहे हैं, इजिली हो रहा है। MI का रेट फिक्स है,
तो ये जो चीज़ें हैं जिनका सर्वर रहता है ऑन उनका रेट फिक्स रहता है, जिनका सर्वर अप डाउन होता रहता है वो फ्लैक्चुएट होता रहता है रेट उसका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी।